नंदीश संधु से अपने तलाक को लेकर आखिरकार रश्मि देसाई ने तोड़ी है चुप्पी। जी हाँ, कई सारी बातों का खुलासा किया है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको बताती हूँ पूरी बात इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूज। बिग बॉस सीजन 13 में हमने देखा था कि किस तरीके से रश्मि देसाई की जो पर्सनल लाइफ थी वो पूरी तरीके से खुल गई थी जनता के सामने, फिर भी उन्होंने बेबाकी से उन सारी चीजों का सामना किया, अपनी बात रखी। बोल्ड ब्यूटीफुल अगर देखा जाए तो रश्मि देसाई उसमें फिट बैठती हैं, और उसके बाद से कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ को लेके बातें होने लगी, चाहे घर के अंदर ले लीजिए या फिर घर से बाहर आने के बाद भी। अब देखा जाए तो फाइनली रश्मि देसाई ने जिनसे उनकी शादी हुई थी नंदीश संधू से, और तलाक दोनों का 2016 में हुआ था, दोनों 2016 में अलग हुए थे, तो उन सारी बातों को लेकर खुलासा किया है रश्मि देसाई ने कि वो किस दौर से गुजर रही थी उस समय। आपको बताना चाहूंगी कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा, जब दो लोगों का तलाक होता है तो ये उन दोनों का फैसला होता है, लेकिन मेरे साथ उल्टा था। उस वक्त हर कोई मुझ पर ही शक कर रहा था। समाज आपको जज करता है, लेकिन एक कपल के तौर पर नहीं। वो ये नहीं समझते हैं कि ये दोनों लोगों के बीच का मामला था जिसके लिए दोनों जिम्मेदार थे। इसके पीछे एक कारण था, हम दोनों अलग हो गए। मेरे पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया और मैं अच्छा कर रही हूं। फिर आगे कहती हैं कि मैं अपने तलाक के बाद बुरी तरह टूट गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में शादी का फैसला बहुत जल्दी ले लिया था, लेकिन मुझे जल्द एहसास हुआ कि मुझे इसमें से निकल जाना चाहिए। अगर दो लोगों को एक दूसरे से नहीं बन रही है फिर भी वह किसी रिश्ते में बने रहते हैं तो इससे उनके विकास में बाधा पहुंचती है। मैं बहुत इज्जत के साथ अपने रिश्ते से बाहर निकली थी। ये सारी बातों का खुलासा किया है उन्होंने, और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत ही स्ट्रेसफुल फेस था उनके लिए और सभी लोग उन्हीं पे शक कर रहे थे कि उनके तरफ से कुछ गलती हुई होगी। तो इन सारी बातों को लेकर आपका क्या रिएक्शन है हमें बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और रश्मि देसाई ने अपनी आप बीती जो है बताई, आप लोगों के सामने रख दिए, बता दीजिए आप सबकी राय, और देखते रहिए फीफा फूड्स इसी तरीके की खबरों के लिए।